जी हाँ, महिला दिवस है, लेकिन हम लोग क्या महिला दिवस मनाएंगे, मैं तो ब्लैक डे मनाऊंगी। और मेरा बस यही है कि मैं इन जैसी महिलाओं जो कि समाज के नाम पे कलंक हैं, जो कि एक अधिकारी के नाम पे कलंक हैं, उन लोगों को सजा मिले। और जब तक मैं इन लोगों को सजा नहीं दिलवाऊंगी, तब तक मेरा जमीर अलाउ नहीं करेगा कि मैं महिला दिवस मनाऊँ। पटना का गायघाट शेल्टर होम लगातार बिहार में सुर्खियों में है, और इस पूरे मामले को लेके जो सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता है, प्रीता ने गंभीर आरोप लगाए थे, और अगली सुनवाई 28 मार्च को है। प्रीता की वकील हमारे साथ मीनू जी हैं, लगातार इस केस को रीड कर रही हैं, और क्या कुछ 28 मार्च को जो सुनवाई होगी, लगातार जिस प्रकार से SIT पे सवाल इन्होंने उठाया था, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, और बात हमने किया भी था SIT को लेके, तमाम चीज़ों को उन्होंने अवगत कराया था। आज महिला दिवस भी है, कुछ बातों को रखना चाहती थी, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। मैडम, लगातार पटना का गायघाट शेल्टर होम देख रही हैं आप केस को, प्रीता ने गंभीर जो आरोप लगाए हैं, 28 तारीख को अगली सुनवाई है, और ये भी पता चला है कि संजीदा खातून का जो मामला था उसको लेके जो उनके वकील इस केस को रीड कर रहे थे, डिम्पल चौहान के जो वकील थे, वो भी आवेदन देंगे जज साहब को, क्या कुछ अवगत कराएंगे, क्या कुछ। हाँ, उनके द्वारा भी इस केस में इंटरवीन किया जाएगा, और वो संजीदा खातून का जो कथित हत्या कह रहे हैं, और वो पूरा जो हमारे पास जो अभी आया है रिकॉर्ड्स लोअर कोर्ट का, उसके हिसाब से देखें तो वो एक हत्या ही है, जहाँ पे उसकी पोस्टमार्टम को खुद ही कर दिया गया, और उसने परमिशन मांगा गया था कि जब तक न्यायालय में कोई मामला पेंडिंग रहता है और हत्या हो जाती है, इसको कस्टोडियल डेथ बोलेंगे, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट उनकी इंक्वायरी करते कि उनकी जो डेथ हुई है नेचुरल है, बीमारी से है, या फिर वो कस्टोडियल डेथ बाई किसी प्रताड़ना से हुई है, टॉर्चर से, तो वो कुछ भी नहीं, उन्होंने बर्फ़ पे रखने के लिए उस बच्ची के लाश को उनकी माता से पैसे ले लिए कि मैंने चार दिन बोली थी उसकी माँ, अभी भी रिकॉर्डिंग जी है। हाँ, बर्फ पे रखा था उसको, उसके नाम पर उन्होंने उससे पैसे ले लिए कि मैंने चार दिन बर्फ पे आपकी बेटी की लाश को रखा है, तो ये कितना इनह्यूमन बात है, ये आदमी सुन के कैसे रह सकता है, उसकी आत्मा कैसे उसे परमिशन दे सकती है, ये तो मैं मुझे नहीं दे पा रही। और मैं इस पर बहुत बड़ा सीरियस मामला है कि कस्टोडियल डेथ, और जैसा कि उनके वकील साहब बोल रहे हैं जो रोहतास में इस केस को लीड कर रहे थे, कि ये क्योंकि दो दिन पहले कोर्ट में जाने से पहले कि वो जाके कहीं उनका पोल ना खोल दे, क्योंकि उनके उस उन लोगों के बीच में कुछ अनबन चल रही थी, वो काफ़ी उनसे कह रही थी कि मैं यहाँ पे जो चीज़ चल रही है मैं उसका खुलासा कर दूंगी कोर्ट में, तो उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था कोर्ट में। 11 बार कोर्ट का अवहेलना किया गया, और जिस दिन रोहतास SSP को लिखा गया कि इसको प्रस्तुत कराया जाए, तब दो दिन पहले उनकी हत्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस बात को उठाया जा रहा है हाईकोर्ट के को अवगत कराया जाएगा, और बताया जाएगा कि इसको कस्टोडियल डेथ मानते हुए कॉम्पनसेशन दिया जाए उस परिवार को जिसकी बेटी के लाश को लाने के लिए उनसे पैसे लिए गए, और उसकी बेटी का जो शेल्टर होम में जो शेल्टर देनी चाहिए थी वहाँ पे शेल्टर ना देते हुए उसकी हत्या कर दी गई वहाँ पर। ये जो पूरा संजीदा खातून की संदिग्ध अवस्था में जो मौत हुई थी, तो मतलब ये कस्टडी ना कहेंगे कि हाँ कस्टडी में ही मौत हो गई थी, कस्टडी कहेंगे ना, बिल्कुल कस्टोडियल डेथ कहा जाएगा इसको। हाँ, जो भी मतलब, तो ये क्या पोस्टमार्टम, देखिए कोर्ट बोला था पोस्टमार्टम करने के लिए कि अपने मन से कर दी थी। जी हाँ, ये सारा प्रक्रिया उनके उन्होंने अपने आप को ही जज मान लिया, अपने आप को ही मैजिस्ट्रेट मान लिया, अपने आप को ही सारा कुछ मानते हुए वो इनको जैसे मन किया उन्होंने वैसे किया। कोर्ट के तरफ से आदेश नहीं आया, कुछ नहीं। इस ऑर्डर के तहत इसमें ये प्रतीत हो रहा है कि उनसे उनको सूचना दी गई कोर्ट को, उसके बाद कहा गया कि सौंपा जाए उसकी बॉडी को, वो बॉडी भी नहीं दे रही थी अपने उनके मामा, पहले खुद पोस्टमार्टम कर दिया, बाद में कोर्ट को अवगत कराई क्या? जी नहीं, पहले लड़की की डेथ हुई, उसके बाद सूचना दी गई, जब कोर्ट में उसके परिजन को जब सूचना मिली तो उसको परिजन ने उनके पास गए कि हमारे बॉडी को दे दिया जाए, तो उसने बोला कोर्ट का ऑर्डर लेके आ, ठीक है, फिर कोर्ट में इस बात की सूचना दी गई, तब 3 से 4 दिन के अंतरकाल में उनकी बॉडी को सौंपा गया। सोचिए ये कितना इनह्यूमन है, कितना ज़्यादा एक दर्दनाक होगा उस परिवार के लिए कि अब रह इंसान तो है नहीं, रह क्या गया, एक लाश, उस लाश के लिए भी भटकाया गया इस औरत द्वारा। तो ये इतनी घटिया इनका जो रवैया रहा है एक ऐसे जनता के लिए, चाहे पब्लिक के लिए, जिसके बाल बच्चे जो नाबालिग हैं, जो जेल में बंद हैं, उसके प्रति ये बहुत ही घृणित कृत्य है। इंटरव्यू महेश
जी कर रहे हैं? जी हाँ, वो इंटरवीन कर रहे हैं और इन सारी बात से अवगत कराएंगे और ये कस्टोडियल डेथ का मामला बनेगा और इसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा। हो सकता है कि 302 का मुकदमा भी ऐड किया जाएगा सुपरविज़न रिपोर्ट में। जी हाँ, ये सुपरविज़न जब होगा, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सुपरविज़न और फाइनल फॉर्म चार्जशीट सब होनी है, तो अब इसमें कोर्ट भी शामिल है, लोअर कोर्ट भी शामिल है, हाई कोर्ट भी। तो लगता नहीं मैडम कि हाँ सत्य की जो लड़ाई है तमाम लोग? जी हाँ, देखिए विक्टिम जो एक था, जो समाज कल्याण विभाग के सामने उनका स्टेटमेंट दर्ज कराया गया था, उसने भी बोला हसीना नाम की लड़की का जो हत्या हुआ था। अब ये सारे जो मटेरियल हैं हमारे पास, एविडेंस, उसको सबको कोलैबोरेट किया जाता है कि एक ने ये बोला, दूसरे, तो ये कोर्ट का एग्जामिनेशन होगा, ये पुलिस के अनुसंधान वो सब जो अभी चल रही है वो भी एज पर स्टैंडर्ड नहीं चल रही है, तो उसको भी चैलेंज करते हुए ये सारे एविडेंस जो बोले जा रहे हैं सबको कोरोबोरेशन होगा उसका, और उसके बाद ये पूरा हत्या का मामला भी उन पर दर्ज होगा। जी हाँ, महिला दिवस है, लेकिन हम लोग क्या महिला दिवस मनाएंगे, मैं तो ब्लैक डे मनाऊंगी। और जब इस तरीके की महिला हैं जो एक महिला पे ही अत्याचार करे, तो इस तरीके की कलंकित महिलाओं को जब तक उन लोगों को सजा ना मिले और महिला को जब तक आदर सम्मान ना मिले, जो एक मेरा बस यही है कि मैं इन जैसी महिलाओं जो कि समाज के नाम पे कलंक हैं, जो कि एक अधिकारी के नाम पे कलंक हैं, उन लोगों को सजा मिले, और जब तक मैं इन लोगों को सजा नहीं दिलवाऊंगी तब तक मेरा ज़मीर अलाउ नहीं करेगा कि मैं महिला दिवस मनाऊं। तैयारी बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही है, 28 तारीख को पूरी तैयारी के साथ हम कोर्ट में जाएंगे और सारी बात को, कहते हैं ना कि पॉइंट बाय पॉइंट रखा जाएगा और चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। सीधे तौर पे पीड़िता की वकील थी जो जानकारी दे रही थी इस पूरे मामले को लेके, 28 तारीख को सुनवाई है और जो संजीदा खातून की संदिग्ध मौत हुई थी उसको लेके जो उस केस को रीड कर रहे थे, जो डॉक्टर महेश जो वकील हैं सासाराम के, वो इस पूरे मामले को लेके इंटरव्यू करेंगे और तमाम तथ्यों को बताने का काम किया जाएगा कि किस प्रकार से संजीदा खातून की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई, किस प्रकार से 11-11 बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कहीं ना कहीं वंदना गुप्ता ने किया था, और जिस प्रकार से कानून की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाते वंदना गुप्ता नज़र आई थी, इस पूरे मामले को लेके तमाम जो लोग हैं, जो तमाम वंदना गुप्ता की जो कलंक कथा है उनको सज़ा दिलाने के लिए, उनके जो कुकर्म की तमाम जो खुलासे हैं वो लगातार जो पीड़िता की वकील हैं तमाम तथ्य सबूत 28 तारीख को सुनवाई में रखेंगी और हर एक चीज़ों को जज साहब को बताने का भी काम करेगी। रोहित, NBC 24, पटना।